लेटेस्ट एग्जाम क्रैक चैनल में आप सबका स्वागत है। आपको मेरा नमस्कार। मैं प्रवेश चंद यादव आप सबके लिए लेकर आया हूँ प्रतिशत से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। सपोज दैट यदि किसी संख्या ए का 20% ज्ञात करना है तब ए का 20% बराबर ए गुणे बी गुणा 1/100 बराबर ए इंटू बी बटा 100। अब इस सूत्र से संबंधित हम कुछ एक दो प्रश्नों को कम से कम हल करेंगे यहाँ पर कि इस सूत्र का डायरेक्ट प्रयोग करके हम किस तरह से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन वन, 300 का 30% ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं 300 का 30% बराबर उपरोक्त सूत्र के अनुसार 300 ए और 30 क्या है 20% है, इसलिए 300 गुणे 30 गुणे 1/100। अब हम क्या करेंगे, 1 0 दो जीरो से दो जीरो को ऊपर काट देंगे और बचेगा 30 गुणे 3 गुणे 1, 30 या 90, 90 करना 90। मुझे विश्वास है ये आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। इसी क्रम में हम चलते हैं आप सबके लिए अगला प्रश्न लाते हैं। इसी क्रम में आप सबके लिए अगला प्रश्न लेकर प्रस्तुत करते हैं। जैसे 122 का 15%, 122 का 15% ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी ये 122 ए और 15% 20%, इसलिए 122 का 15% बराबर 122 गुणे 15 गुणे 1/100 अब हम 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 20 25 100। फिर 2 से काट देंगे, 2 2 20 2 2 20 और फिर 2 से 122 को काटेंगे, 2 6 12 2 1 2 यानी ऊपर बचा 61 गुणे 3 बटा 10 बराबर 3 1 9 3 3 6 18 183/10 और इसको जब हम 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 18.3। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अवश्य समझ में आ रहा होगा।
इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सूत्र, अगला सूत्र है यदि किसी संख्या ए बी के कितने प्रतिशत है तब ए का प्रतिशत बराबर ए बटा बी गुणे 100% तथा बी का प्रतिशत प्रतिशत बराबर बी बटा ए गुणे 100%। अब इस पर भी संबंधित, इस सूत्र से संबंधित भी, सूत्र से संबंधित भी एक से दो प्रश्नों को कम से कम हल करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1, एक संख्या तीन सौ पचास दो सौ की कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? तब अभीष्ट प्रतिशत बराबर हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि पूछ रहा है 350 200 की कितने प्रतिशत है, यानी 350 यानी ए और 200 यानी बी। तो अभीष्ट प्रतिशत बराबर मैंने लिखा है ए बटा बी गुणे 100%। अतः यहाँ पर ए बराबर 350 बटा 200 गुणे 100%। 100 से 0, 20 से 20, 20 25 100, अतः 35 25 105%